स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 16 को लेकर के, जो कि आपका गृह विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 6 का है। आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी कक्षा के लिए इस प्रकरण से रिलेटेड आप किसी भी कक्षा को मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण आपका ऐसा टॉपिक है जिसे आप किसी भी कक्षा के लिए बना सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पाठ योजना संख्या 15 को लेकर के। जैसा कि आपके कॉलेज में बताया होगा कि आपको 20 लेसन प्लान बनाना है, ये 30, तो यहाँ पर हम कम से कम 35 लेसन प्लान देखेंगे जो कि आपके होम साइंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 15 लेसन प्लान की को लेकर की बात की है। तो अगर आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए होम साइंस से, तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ योजना संख्या 16। सबसे पहले आप यहां पर पाठ योजना संख्या अपना अकॉर्डिंग डालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलम भी बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे चीजें मेंशन करिएगा। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। विषय यानी सब्जेक्ट आपका गृह विज्ञान है तो आप गृह विज्ञान डालेंगे। कालांश यानी आपका जो चक्र रहता है यानी जिसे आप पीरियड कहते हैं, वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी हो सकता है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग डालिए, अदरवाइज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कक्षा मैंने बताया आपको 6 to 12 आप किसी भी कक्षा के लिए इसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रकरण, यानी प्रकरण है आपका टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो आज के इस लेसन प्लान में हम इसी को लेकर बात करेंगे, देखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो ये आपके विषय यानी गृह विज्ञान विषय से संबंधित आप सामान्य जानकारियां देते हैं बच्चों को। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट है छात्राओं में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्राओं की तार्किक शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करना, तीसरा पॉइंट है छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो इस तरह आप सामान्य जानकारियां देंगे छात्राओं को कि वो पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम कर सकती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये आपके प्रकरण यानी पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड ही होंगे, उससे संबंधित मेन जानकारियां देंगे आप बच्चों को। जैसे है इसमें पहला पॉइंट ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी चीजों का ज्ञान कराना, इसमें आप दो पॉइंट है, एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है छात्राओं को पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की जानकारी देना, यानी किस किस किन किन कारणों से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है इसकी जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों को समझाना तथा उसके रोकथाम से अवगत कराना। तो ये था ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें आप चीजों का ज्ञान कराएंगे छात्राओं को। उसके बाद है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक जो भी हमारे फीलिंग्स होती हैं उनके उनसे रिलेटेड चीजें बताएंगे, छात्र पर्यावरण के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगी भावात्मक उद्देश्य में। फिर आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है छात्राएं पर्यावरण की महत्ता को समझ सकेंगी, तो ये था भावात्मक उद्देश्य। तीसरा है आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आप प्रैक्टिकली चीजें करके बताएंगे बच्चों को। जैसा कि इसमें दिया है छात्राएं पर्यावरण संरक्षण के उपाय कर सकेंगी, छात्राएं पर्यावरण के बारे में बता सकेंगी तथा और लोगों को भी जागरूक कर सकेंगी। तो ये थे आपके विशिष्ट उद्देश्य के तीन पॉइंट, जिसमें आप दो दिए हैं, आप एक एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम सहायक सामग्री यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM कहते हैं। इसमें आप जो भी चीजें टॉपिक में बताते हैं, टॉपिक में लेकर चलते हैं यानी यूज करते हैं, तो वो चीजें लिख सकते हैं। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट, आपका लपेट श्यामपट हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आप दिखा सकते हैं अपने TLM में। फिर देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। इसमें आप 3 कॉलम बना सकते हैं, जैसा कि दिया है क्रम संख्या छात्राध्यापिका क्रिया छात्र संभावित होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ आपने गौर नहीं की होगी कि हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो छूट गया है। तो आप प्रस्तावना प्रश्न डालने से पहले आप यहाँ पर पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को क्या पता हो सकता है, क्योंकि आपका ये पर्यावरण है तो आप ये बता सकते हैं कि पर्यावरण से संबंधित यानी पेड़ पौधे जलवायु इनसे संबंधित चीजें जो हैं छात्राओं को पता होंगी, ये उनकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, सामान्य जानकारी होगी। तो ये चीजें आप डाल लीजिएगा यहाँ पर पॉइंट करके पूर्व ज्ञान, ठीक है। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न पे आएंगे। इसमें आप 3 कॉलम बनाते हुए पहला प्रश्न करेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण
आपने पहला प्रश्न किया, छात्राओं ने बताया हमारे चारों ओर का आवरण जो है, जो ढका हुआ होता है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। बच्चों ने बताया पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि जो हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आप पूर्व ज्ञान में ये भी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न फिर आप करेंगे, पर्यावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर छात्र निरुक्तर का मतलब, यहाँ पर आप ब्रैकेट में समस्यात्मक प्रश्न डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न था, यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन आपकी प्रकरण से रिलेटेड आएगा। इसमें आप लिखेंगे, बच्चों आज हम पर्यावरण प्रदूषण का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये था उद्देश्य कथन जो कि आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। आगे देखेंगे हम प्रस्तुतिकरण प्रश्न, ठीक है। प्रस्तुतिकरण प्रश्न में आप टॉपिक को समझाते हैं, टॉपिक को लेकर के चलते हैं, उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, चीजें बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाना, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, शाम्पटकार। यहाँ पर शिक्षण बिंदु से पहले आप क्रम संख्या जरूर डालना। क्रम संख्या 1 में आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपने पहले बताया क्योंकि छात्राओं को पहले से थोड़ा बहुत पता है पर्यावरण के बारे में, तो आपने सीधा टॉपिक को शुरू कर दिया है। पर्यावरण को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण, स्थल, जल अथवा वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और छात्र क्रिया में छात्र इसी चीज को जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है, जो भी आप स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पर आपने व्याख्या दे दी है, यानी स्पष्टीकरण पहले बता दिया है, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। और शाम्पटकार के लिए आप देख लीजिए, प्रदूषणकारी वस्तु या तत्व को प्रदूषक कहते हैं, आपने ऐसे चीजें मेंशन कर दी ब्लैक बोर्ड कार्य के लिए। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, विकासात्मक प्रश्न जो कि आप बच्चों से कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। बच्चे यहाँ पर बताएंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ये जो है वो पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं। यहाँ पर आपने प्रश्न किया था विकासात्मक पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो बच्चों ने बताया। प्रश्नोत्तर विधि चल रही क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं, छात्रा उत्तर दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर या प्रश्नीकरण विधि हो गई। और शाम्पटकार में आप ऐसे दिखाएंगे घरेलू बहिस्राव, ये चीजें जो जिन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये चीजें आप लिख देंगे शाम्पटकार में। तो आप देख लीजिए ऐसे ही बनाएंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ और पॉइंट। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है, तीसरा है स्वच्छ जल का महत्व क्या है। तो स्वच्छ जल का महत्व में आप स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को, इसमें लिखेंगे जब केवल पीने के लिए ही नहीं वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन का उद्योग आदि कार्यों में होता है प्रयोग, ठीक है, स्वच्छ जल का। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख लीजिए, छात्र क्रिया में छात्र जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि फिर हो गई। फिर यहाँ पर जो आपका आया पॉइंट वो है शाम्पटकार में आप लिखेंगे भारत में नदियों, झीलों, तालाबों में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित होता है। अगर पीने योग्य जल की बात की जाए दोस्तों, तो 1% ही आपका शुद्ध जल होता है, ठीक है, बाकी 99% जो होता है वो शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं होता है। आपने अगर जल के बारे में पढ़ा हो पूरा, तो उसमें 1% ही आपका शुद्ध जल होता है, ठीक है। तो ये थी स्वच्छ जल की बात। विकासात्मक प्रश्न में आप फिर से प्रश्न करेंगे, इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चे बताएंगे जीव जंतुओं को स्वच्छ पीने का पानी ना मिलना, टाइफाइड, पीलिया, हैजा जैसी बीमारियों का फैलना, श्वसन संबंधी रोग, भोज पदार्थों के स्रोत का दूषित होना, ठीक है। तो इस तरह बच्चे उत्तर देंगे। फिर देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसमें लिखेंगे अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, आपने बताया, गंदगी ना फैलाना, पशुओं को नदियों तालाबों में ना नहलाना, कूड़े के निस्तारण के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना, मोटर गाड़ियों का प्रयोग कम करना। तो ये आपने बताया पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। छात्र क्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगी। यहाँ आपने स्पष्टीकरण दिया या व्याख्या दी, इसलिए यहाँ पर
व्याख्यान विधि हो गई। और यहाँ पर हमारे जो प्रस्तुतिकरण प्रश्न थे, ठीक है, जो स्पष्टीकरण था उसको लेकर के बात हो गई है। आगे हम देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी प्रभावित हुई है, ठीक है। उससे संबंधित आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया उससे संबंधित ही आप प्रश्न उत्तर देंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषक क्या है। तो इस तरह आप बोध प्रश्न देंगे बच्चों को और जांचेंगे उन्हें कितना समझ में आया है। फिर देखेंगे हम श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आप जैसी चीजें फर्स्ट पेज पे मेंशन करते वैसे मेंशन कर सकते हैं, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, चक्र, प्रकरण, ठीक है, अवधि। कालांश आपका चक्र होता है, कक्षा, प्रकरण, अवधि, जैसे आप फर्स्ट पेज में मेंशन किए हैं। ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन आता है उससे आप लिख सकते हैं चीजें। इसमें दिया है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के आप प्रकार भी बता सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो इस तरह आप श्यामपट्ट कार्य में चीजें दिखा सकते हैं। फिर देखेंगे हम निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य की बात की जाए इसमें आप कक्षा का ऑब्जर्वेशन करेंगे तब जब बच्चे कार्य कर रहे होंगे। क्या कार्य? जो आपने दिया है उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे तब। इसमें लिखेंगे आप छात्राध्यापिका कक्षा छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह आप निरीक्षण कार्य देंगे और छात्राएं इसे करेंगे। फिर आगे देखेंगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं यानी रिविजन वर्क। इसे आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे। इसमें आप लिखेंगे, कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया इसमें दे सकते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो इस तरह आप पुनरावृत्ति प्रश्न दे करके रिवीजन कराएंगे पूरे टॉपिक का। आगे देखेंगे हम, तो पुनरावृत्ति प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न भी दिया है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर पुनरावृत्ति यानी अभ्यास काल समाप्त हो गया। फिर सबसे लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। होमवर्क आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। इसमें आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे इसमें दिया है सभी छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उसके कारण व उपाय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। तो ये हो गया होमवर्क जिसे छात्राएं घर से करके लाएंगे। और यहाँ पर आपका लेसन प्लान जो 16 है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर के साइन है, ऐसे ही लेसन प्लान में होंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 17 को लेकर के, जो कि आपका गृह विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा जो है आपकी 7 है, पाचन संबंधी रोगी आपका प्रकरण रहेगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।